नालंदा के जगदीप नारायण कुमार ने विभिन्न देशों के सिक्के व नोटों को संग्रह कर बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड। जगदीप कुमार जिला के जाने माने शिक्षाविद सह निजी स्कूल के संचालक के साथ ही इनकम टैक्स रिटर्न के वकील भी हैं। वे बिहार शरीफ मुख्यालय स्थित भरावपर मोहल्ला निवासी स्वर्गीय रामजीवन प्रसाद के पुत्र हैं। इस दौरान जगदीप नारायण कुमार ने लोकल 18 से बात करते हुए बताया कि वह सिर्फ 12 साल के थे तब से उन्होंने पुराने सिक्के को जमा करना शुरू किया, जिसमें उनके परिवार के अलावा दोस्तों का भी भरपूर सहयोग रहा। इस दौरान वह आगे बढ़ते गए और सभी के सहयोग से आज वह इस मुकाम तक पहुंचे हैं। चलिए, इसके बारे में मुझे बचपन से ही जो है सिक्के जमा करने के शौक थे। उसके बाद पढ़ाई के दौरान मैंने बहुत सारे मैगजीन्स अखबारों में पढ़ना शुरू किया कि बहुत सारे लोग जो है किसी न किसी चीज़ में जो है कीर्तिमान स्थापित करते हैं। वहाँ से हमको जो है इसके बारे में प्रेरणा जगी कि हमें भी लाइफ में कुछ जो है कीर्तिमान बनाना है या वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना है। तो चूँकि ये मेरा एक छोटा सा शौक बचपन से था सिक्कों को जमा करने का, वही शौक जो है मैं धीरे धीरे मेरे में बढ़ता चला गया और मैं इस शौक जो है अग्रसर हो लिया। इसमें जो है हमारे बहुत सारे परिवार मित्र सभी लोगों ने हमारा साथ दिया। कहीं से भी कुछ नहीं सिक्के या नई यूनिक चीज़ें मिलती थी तो हमें वो प्रोवाइड करते थे। वैसे होते होते जो है हमारे पास कलेक्शन बढ़ता गया। बहुत सारे जब जगह हम घूमने जाते थे तो वहाँ पे मिलते थे तो मैंने बहुत सारी चीज़ों को, बहुत सारे सिक्कों को ख़रीदा भी। उस तरह से जो है हमारे यहाँ जो है इसका भंडार बनते चला गया। अभी तक जगदीप नारायण ने लोकल 18 से बात करते हुए बताया कि वह सिर्फ 12 साल के थे तभी उन्हें पढ़ाई के दौरान अखबार और मैगजीन के माध्यम से किसी न किसी क्षेत्र में कीर्तिमान स्थापित करने वाले नाम का शख्स का नाम उन्होंने पढ़ा। उसके बाद उन्होंने भी अपने नए तरीके से पुराने सिक्के और नोटों को जमा करना शुरू किया। इसके लिए उनके घर परिवार के अलावा दोस्तों का पूरा सहयोग रहा, जिस वजह से उन्होंने इतना बड़ा मुकाम हासिल किया है। उन्होंने अब तक 150 से अधिक देशों के सिक्के व 50 देशों का नोट जमा किया है। इसके साथ ही दुर्लभ भारतीय सिक्का व नोटों भी संग्रह किए हैं। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन के जरिए इसकी सूचना मिली। उसके बाद उन्हें 18 मई 2023 को यह सम्मान जयपुर में मिला। इसमें कई देशों के लोग व कुछ भारतीय भी शामिल थे। जगदीप नारायण ने आगे यह भी बताया कि अंग्रेज़ों के ज़माने से लेकर अब तक के सिक्के हमारे जीवन में एक शौक था जो आज पूरा हो गया। इसके लिए पूरे परिवार और सभी दोस्तों का शुक्रिया अदा करते हैं। अभी 150 से अधिक कंट्री के सिक्के हमारे पास उपलब्ध हैं, साथ ही लगभग 50 से अधिक देशों के नोट्स हैं। इसके साथ ही साथ हमारे पास इंडियन करेंसी जो बहुत सारे जो दुर्लभ हो गए हैं वो भी हमारे पास हैं, और भारतीय सिक्के जो कि बहुत पुराने मुगल कालीन से लेकर अंग्रेजों के समय से लेकर अब तक के सिक्के हमारे पास उपलब्ध हैं। हमारे जीवन में ये शौक था कि हमें भी जो है वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना है, जो कि आज हमें ये पूरा हुआ तो बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। और मैं ये आने वाली पीढ़ी, आने वाले जिले वासियों को भी ये संदेश देना चाहता हूँ कि हमें भी जो है हर आदमी को जो है अपने जीवन में कुछ न कुछ जो है नया कीर्तिमान स्थापित करना चाहिए, ताकि जो है एक जीवन में एक नया ऊर्जा बना हुआ रहे और कुछ नया करने का जो है प्रेरणा मिलता रहे। इसके अलावा किस तरह का बिजनेस करते हैं, व्यवसाय करते हैं सर? मैं एक विद्यालय का निदेशक भी हूँ। हमारा विद्यालय जो है वेदांता इंटरनेशनल एकेडमी सोसराय बिहार शरीफ में स्थित है। वहाँ भी मैं अपने बच्चों को पढ़ाता हूँ और बहुत ही कम फीस लेकर जो है उन्हें अच्छी शिक्षा